क्या मैं 2-3 साल के अंदर सौरभ जोशी को सब्सक्राइबर बेस में पीछे कर सकता हूँ क्या? इनके क्वेश्चन है, आपकी गर्लफ्रेंड है, सही से बताना। आपको 100 से पहले तेल लगा देता। और अगर आपको फनी होना तो आपको 15 दिन हमारे यहाँ आना पड़ेगा। ओम की अंडरवेयर का कलर और ब्रांड कौन सा है? वन टू थ्री हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अरे बाबरे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ये जो अपना Q&A वीडियो बन रहा है, ये मेरा सेकंड Q&A वीडियो है फैमिली के साथ और वैसे भी। और ये जो Q&A वीडियो बन रही है, ये बहुत पहले बन चुकी होती, लेकिन गाइस अपने डेली व्लॉग्स बनते गए तो ये अपना Q&A पेंडिंग पे जाता गया। लेकिन आज मैंने ठाना कि आज एनी हाउ कुछ भी हो जाए, मुझे Q&A वीडियो बनानी है। आपके कमेंट भी आ रहे थे, भैया Q&A वीडियो कब आएगी? चलो स्टार्ट कर जल्दी। तो बस अभी करते हैं स्टार्ट अपनी Q&A वीडियो। मैंने आपसे बोला था कि इस बार जो आप अपने क्वेश्चन पूछोगे वो वीडियो के फॉर्म में पूछोगे। इस बार जो आप अपने क्वेश्चन पूछोगे वो वीडियो के फॉर्म में पूछोगे और वो वीडियो मुझे भेजोगे इंस्टाग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम पर, जो कि आपने भेजी है, बहुत सारी भेजी है। मेरा हाल काट दिया इसने, मत कर भाई। तो बस स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। तो दिव्यांश पांडे व्लॉग, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पापा ने आपको यूट्यूब चैनल खोलने की परमिशन कब दी और कैसे दी? यस शर्मा, परमिशन मैंने नहीं दी, अपना भी इसने खुद ही स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते 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 कब ये था, एक आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच गया, मुझे पता नहीं चला। कभी परमिशन मांगी नहीं मैंने, और ना कभी ऐसा था कि क्या कर रहा है। पापा ने बोला कर बेटा, अच्छा काम कर रहा है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, क्यों तो सपोर्ट ही करा। ये कार्ड देगा मम्मा, कोई बात नीचे जा। मेरा नाम एमल है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है और ओम का कौन है? मेरा फेवरेट बैट्समैन है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तेरा भी सेम? अस्सलाम वालेकुम दिव्यांश भाई, मेरा नाम है जीशान और मैं हूँ पाकिस्तान से, कुहाट से। मेरा सवाल है कि आपकी सिस्टर्स है? आज तक हमने आपके ब्लॉग में नहीं दिखी, और अगर नहीं है, और अगर वो है तो किधर होती हैं वो? और मेरा दूसरा सवाल है कि आपकी मामा ने मेकअप का कोर्स कहाँ से किया? तो ये है जिशान, ये है पाकिस्तान से, और इनका सवाल है कि हमारी कोई रियल बहन है कि नहीं। तो गैस हमारी कोई रियल बहन तो नहीं है, रियल सिस्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ कजन बहुत है, बुआ की बेटी, मौसी की बेटी बहुत सारी है, लेकिन रियल सिस्टर कोई नहीं है। और साथ में एक और सवाल है कि मम्मी ने मेकअप का कोर्स कहाँ से करा बताओ? दिल्ली से VLCC इंस्टीट्यूट, राइट? सही। हेलो दिव्यांश भैया, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान तो नहीं हो, बट आपको इतना पाकिस्तान क्यों पसंद है? आप तो इंडियन हो, इंडियन की तरह रहते हो, बट इतना पसंद क्यों है? आप गए भी थे? मैं हूँ एक कंटेंट क्रिएटर, मेरा काम है कंटेंट बनाना, बेस्ट कंटेंट बनाना, बेस्ट व्लॉग्स बनाना, ताकि आप लोग देख सको। और देखता कौन है? लोग देखते हैं, ऑडियंस देखती है, और ये ऑडियंस कहीं की भी हो सकती है, इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, अदर कंट्री की हो, और मेरे केस में जो मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो है इंडिया से और पाकिस्तान से। एंड गाइस, जो ऑडियंस होती है वो हर जगह की सेम होती है, भले वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, और मुझे उनसे प्यार मिल रहा है, मैं उनको प्यार दे रहा हूँ, मुझे उनसे प्यार मिल रहा है, मैं उनको प्यार दे रहा हूँ। तो बस ये जो है प्यार का लेन देन है, कि वापस से बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, भले वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, सेम ऑडियंस है गाइस, तो प्यार मिल रहा है, मैं प्यार दे रहा हूँ और प्यार के लेन देन है। हाय ब्रो, माय नेम इज अनिल मिश्रा, एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप शुरू शुरू में व्लॉगिंग करते थे तो आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन रहता था? प्लीज रिप्लाई। कुछ रिएक्शन नहीं था, वही था जो अभी है, कि बस पापा सपोर्टिव था, कि कहते थे कि बढ़िया कर रहा है, उल्टा मेरे से बोलते थे भाई कर, अच्छा काम कर रहा है, बोलना आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो कर, अच्छा कर रहा है, कर। हेलो भैया, माय नेम इज अहम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने यूट्यूब चैनल कब शुरू किया था, तब आप कितने साल के थे और क्या सोच के शुरू किया था? अगर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे तो वो है आज से कितने साल पहले की, तब मैं था 13 ईयर्स का, तब मैं था 13 साल का, लेकिन प्रॉपरली ब्लॉगिंग मैंने शुरू करी थी 16 साल में, तो 16 साल से अभी मैं हो चुका हूँ 18 साल का, तो 2 साल पहले मतलब मैंने 2020 में ब्लॉगिंग करना शुरू करा था। और क्या सोच के करता, मैंने बस कर दिया शुरू, ऐसे ही कर दिया, रैंडमली कर दिया, शौक था तो बनाने का, बचपन से शौक था तो मैंने शुरू कर दिया ऐसी मजे में। हाय दिव्यांश भाई, मेरा नाम अर्जुन है और मेरा ये सवाल है कि आपको 10th में कितने मार्क्स पड़े थे? प्लीज मेरा क्वेश्चन लेना।
टेंथ क्लास में जो मेरे मार्क्स थे वो थे 88% थी मेरी। मॉर्निंग दिव्यांग सर, माई सेल्फ तिवारी शिफ फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 एंड आई वॉन्ट टू नो डेट इन विच कॉलेज और स्कूल यू आर इन एंड वॉट इज द नेम ऑफ इट। थैंक यू। स्कूल तो मेरा हो गया भाई, स्कूल था मेरा DAV और अभी कंफ्यूजन है कॉलेज के लिए। अभी कॉलेज में कंफ्यूजन है भाई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ड्रॉप ईयर है, तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी हो भी रही है, हो भी रही है, कुछ नहीं पता चल रहा क्योंकि व्लॉगिंग पे ज्यादा ध्यान है मेरा, लेकिन कंफ्यूजन चल रहा है, देखते जो होता है अब देखो एक दो महीने में क्या होता है। भाई मेरा नाम जरिया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मेरा आपसे सवाल है कि यू नो जो आपके पास ये वीडियोस के आइडियाज कहाँ से आते हैं और आपकी इंस्पिरेशन कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चुलबुल जो कर रहा है दिखा रहा हूँ और थैंक यू और क्या बोल रहा हूँ इंस्पिरेशन फैमिली मेरी, मैं हर बार बोलता हूँ जो मेरी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली है क्योंकि मेरे कॉन्टेंट यही है सब जो करता तो बस यही है जो दिखाता हूँ मैं और मेरी इंस्पिरेशन यही है। हम छींक भी रहे होते हैं कैमरा लेके आ जाते हैं, मम्मी को ही छींक बस। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे कंटेंट मेरी फैमिली है। दिव्यांशु बस मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ और आप मेरी इंस्पिरेशन हूँ। आई लव यू। थैंक यू लव फ्रॉम इंडिया। आपने इतनी बड़ी बात बोली कि आप मुझे ऐसा इंस्पिरेशन मानते हो तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो दिव्यांशु भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और ओम कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं तो स्कूल में मैं तो क्लास गई मेरी, अब क्लास वाला टाइम ओवर हो गया है भाई। कॉलेज में आ गया, कॉलेज में आया भी नहीं हूं, फर्स्ट ईयर में आया, फर्स्ट ईयर में आऊंगा और क्लास गई मेरी, 12th हो चुका है, मैं 12th पास आउट और ये है क्लास 5th में है 9th में। अच्छा 9th में। अच्छा मेरा नाम है अमान, मैं हरियाणा में रहता हूँ। मेरा Q&A का सवाल है कि आप पहले कहाँ पे रहते थे? पहले हम कहाँ पे रहते थे पापा बताओ। यार मैं इसी धरती पे रहते थे हम, दिल्ली में। नहीं, नहीं, ये देखो ये नहीं रहता था पहले कहीं। पहले हम मंगल ग्रह में रहते थे, वहाँ की लाल मिट्टी दिखाई है हमें लोगों पे। इसका क्वेश्चन क्वेश्चन है कि पहले हम कहाँ रहते थे? पहले हम दिल्ली रहते थे। दिल्ली दिल्ली। अंश भाई, दिस इज क्रिश फ्रॉम वाराणसी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप और आपके पापा और आपका भाई फनी क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन है? आप लोग क्या खाते हो? क्योंकि मुझे भी ये एंटरटेन करना है इसलिए। नहीं इसका मैं राज में बताती हूँ। पहली बात तो नहीं, इनकी डबिंग में कुछ दिक्कत है भाई। बोल बाद में रहे आवाज, बाद पहले आ रही है, मुंह बाद में हिल रहा है, आवाज पहले आ रही है। ये गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है भाई। नहीं 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 सरुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या खाते हैं? क्या खाते बता। रात को एक गिलास दूध पियो गरम, आप भी फनी हो जाओगे। अच्छा एक ही गिलास दूध मत पियो, दूध में डाल दो ककड़ी, डाल दो उसमें काला नमक, डाल दो अखरोट, डाल दो बादाम, डाल दो उसका शेक बना के पी जाओ, फनी हो जाओगे। देखो मैं दे रही, देखो आंसर, रात को सोने से पहले तेल लगा लेता। ये जो फनी जो नेचर होता ना, ये कहीं से, ये कहीं से क्रिएट नहीं किया जाता, ये खुद हंसो, जिंदगी को जियो, एंजॉय करके। जिंदगी दो बहुत छोटी है, जियो ऐसे जियो कि आखिरी दिन हो। मेरे को अपना नंबर दे देना, तेल भेज दूंगा घर पे, लगा लेना, मस्त होके जियो। एक डायलॉग है ना, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। ये भी गाइस बहुत फनी, इसको मैंने तेल लगा के फनी कर दिया है, बचपन में मालिश करी थी इसकी वजह से। देखो ये जब आया था ये बिल्कुल फनी था, ये भी हमारे साथ रहेंगे, फनी हो गया, फनी हो गया, आप भी आज हमारे साथ रह लेंगे, फनी हो जाओगे। अगर आपको फनी होना तो आपको 15 दिन हमारे यहाँ आना पड़ेगा, रहोगे तो 15 दिन फनी होके जाओगे ऐसे, ट्रेनिंग फिर आप घर वाले भी कहेंगे भाई कहाँ गया था, क्या भेजा था तेरे को, क्या बन के आ गया। दमन दीव से मेरा नाम है ममथान और मैं ये पूछना चाहता था कि आपने YouTube कब से चालू किया और आप कैसे ग्रो हुए? 8 जनवरी 2020 से व्लॉगिंग शुरू करी थी। चैनल तो मेरा बहुत पुराना है लेकिन मैंने 8 जनवरी 2020 से व्लॉगिंग शुरू करी थी। चैनल बहुत पुराना है और ग्रो में हुआ था। ग्रो में कैसे हुआ? ग्रो में हुआ ऐसे हो गया ग्रो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैंने मेहनत करी, डेली व्लॉग अपलोड करे, डेली मुझे 10 महीने हो गए, 10 महीने से मैं डेली व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, तब जाके आज 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट। आप भी एक ऐसा चुलबुल ले आओ
आप भी ग्रो हो जाओगे। पंच भाई मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मैं आपका पाकिस्तान से फैन हूँ और मेरा क्वेश्चन ये कि जो ओम ने क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की थी वो नहीं जाता, उसने छोड़ दिए क्या है, और ये मेरा क्वेश्चन है वीडियो में जरूर 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 बता बता छोड़ी क्यों, छोड़ी क्यों, क्या क्या छोड़ी, अकेडमी छोड़ी होगी, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। हैदराबाद से हूँ मोहम्मद अमीर अली पाकिस्तान से। तो मेरा सवाल ये है कि आपके जो वालिद साहब हैं वो उनका बिजनेस क्या है, और इनका क्वेश्चन है कि पापा क्या करते हैं। मैंने तो उसके बाद क्या हुआ नहीं कुछ नहीं बताओ इसके बारे में, तो मैंने पहले Q&A जो पहले हुआ था हमारा उसमें मैंने बताया कि मैं होटल बैकग्राउंड से हूँ, मैं पहले ओवरेज ग्रुप में था, ओवरेज ग्रुप ऑफ होटल में, फिर उसके बाद मैं ताज ग्रुप ऑफ होटल में आया, उसके बाद अभी मैं 2-3 प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ होटल चेन पे ही है। और रही बात बिजनेस की, तो 1-2 प्रोजेक्ट मेरे बिजनेस के भी हैं जिनके बारे में आने वाले अगली Q&A में आपको ओपन बताऊंगा। मोस्टली पापा घर में रहते हैं, घर से काम करते हैं, आपको लगता है कि आप 2-3 सालों में 100-200 को बीट कर सकते हो सब्सक्राइबर्स से? बाकी मेरा नाम पार्थ कौशिक है और मैं उत्तराखंड से हरिद्वार से हूँ। तो ये है पार्थ कौशिक, ये भी उत्तराखंड से है, एंड इनका सवाल है कि क्या मैं 2-3 साल के अंदर सौरभ जोशी को सब्सक्राइबर बेस में पीछे कर सकता हूँ क्या? तो सबसे पहली बात तो ये कि 2-3 साल बाद क्या होगा, वो किसने कहाँ देखा है, बट ये है कि हाँ मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता नंबर में, कि मुझे इसे पीछे करना है, मुझे आगे निकलना है, मैं इसे पीछे हूँ अभी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बस मेरा एक ही काम है, बस मेरा एक ही मोटो है कि मुझे लोगों को बेस्ट कंटेंट देना है, बेस्ट व्लॉग्स बनाने हैं, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाने हैं। लोगों की लाइफ में वैसे बहुत दिक्कतें होती है, बस अपने कुछ 10-15 मिनट के व्लॉग से अगर उनके चेहरे पर स्माइल आ रही है तो अपना काम हो रहा है ना। और बाकी 2-3 साल बाद क्या होगा, किसने क्या देखा है वो। हेलो दिव्यांश भैया, माय नेम इज निकुंज, आई एम फ्रॉम राजस्थान। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी ड्रीम प्लेस का है, आपकी और उनकी ड्रीम प्लेस का है, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, बाय। बेस्ट ड्रीम प्लेस अपना घर है भाई, यहाँ पर बैठो, टन सो जाओ और ड्रीम देखो भाई। यस मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा नाम उस्मान है। क्वेश्चन ये है, 5th क्लास में आपका धक्का दिल्ली बोला हूँ। क्या क्या मुझे लग रहा है उनको समझ में नहीं आया मुझे। मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा नाम उस्मान है। क्वेश्चन ये है, 5th क्लास में आपका धक्का दिल्ली बोला हूँ। क्लियर नहीं आ रहा समझ में। क्लियर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मुंह से आवाज कम आ रही है, नाक में अंगली जाने जा रही है भाई साहब। आपका जो क्वेश्चन है ना, इसको अगली बार तैयार रखना और अगली बार नाक में अंगली बढ़ा जा रही है। ऐसा आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं, आप मेरी बात का बुरा मानना, लेकिन आवाज कम आ रही है, आवाज ना समझ में आ रही है और अंगली नाक में जाने जा रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा ना घुस जाए, मेरी रिक्वेस्ट है अगली बार तैयार करना है इसको, और उंगली दूर रखना। गजब पापा को सैल्यूट। बाय। मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मेरा नाम माज है, इंस्टाग्राम पे मैं भेजूंगा। ये क्या था? ये क्या हेलो दिव्यांश भाई, मैं हूँ ओम और मैं हूँ महाराष्ट्र से, और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और मैं आपकी Q&A वीडियो देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये सवाल है कि आप शादी कब करोगे, आपके भाई की ओम की शादी कब करोगे, प्लीज मेरा ये वीडियो डाल देना यूट्यूब चैनल पे। देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 27 मिलियन तो नहीं हो सकते। 27 भी नहीं होंगे। ओम भाई ऐसा है, जब आप करोगे शादी, ओम भाई ऐसा है, मुझे करनी है दिव्यांश पांडे की शादी के लिए तैयार बैठे हुआ, कोई लड़की है तो बता देना, मुझे करनी है शादी, आई एम रेडी। कोई अच्छी हमारी शादी देख के कह रहा, आप कर लो शादी, मुझे करनी है। 27 मिलियन सब्सक्राइबर दिखाओ। हाय दिव्यांश भाई, मेरा नाम मोहम्मद रजा है, मैं क्वेटा पाकिस्तान से हूँ, और मेरा क्वेश्चन है कि आप इंडिया के कौन से शहर में रहते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपका यूट्यूब अर्निंग कितना है,
अगर आप मेरे वीडियो को अपने व्लॉग में डालेंगे मैं आपका बहुत बड़ा थैंकफुल हूँगा। बाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर की मैं रहता हूँ हल्द्वानी शहर में जो कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर है एंड डेट ऑफ बर्थ है मेरी 18 साल का हूँ मैं और इनकम तो गैस क्या है थोड़ा बहुत अपना जेब खर्चा निकल जाता है बस इतनी इनकम आती है बस थोड़ी बहुत। तो गैस पूरी जान निकल गई है पसीना पसीना हो गया है और इतना लंबा तो बैठा है हमें बैठा रखा है ये देखो गीला हो चुका पूरा और फाइनली इतना लंबा Q&A बन गया भाई ये क्या एडिट करने में 10 घंटे लगे। अरे भाई साहब तो गाइस अभी इस Q&A वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड होप आपको आएंगे मजे अगर आपको ये Q&A वीडियो देख के और जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाए तो वो टाइम की दिक्कत की वजह से नहीं ले पाए गाइस इतने सारे क्वेश्चन ले लिए भी और क्वेश्चन थे तो ले नहीं पाए क्योंकि वो कॉमन थे कॉमन थे और अरे आप चिंता मत करो क्वेश्चनों की जरूरत नहीं पड़ेगी 1 मिलियन में तो मिलना ही है यार मिलना ही है 1 मिलियन पे होगा बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले मैनू दिल तेरा नहीं चाहिदा ये डांस होगा और डीजे में नाचेंगे गाएंगे एंजॉय करेंगे ऑल द बेस्ट गाइस। तो बस अभी करते हैं इस Q&A वीडियो को एंड बाकी तो ये भी पागल हो गए बाकी तो अभी Q&A वीडियो और करनी है अभी 100K पे 300K पे 400K पे करनी करनी करते रहनी भाई तो आपके क्वेश्चन आते रहेंगे तो बस अभी करते हैं इस Q&A वीडियो को एंड अगर आपको ये Q&A वीडियो देखकर मजा आया आपके चेहरे पे स्माइल आई आपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं कल सुबह 8 बजे टिल देन गुड बाय गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन कल सुबह 8 बजे तैयार रहना तब तक के लिए बाय बाय। एक मिनट एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया था इनका क्वेश्चन है मेरा नाम आदिनाथ मडाने है मैं मुंबई नाला सुपारा से हूँ मेरा क्वेश्चन है ये कि ओम की अंडरवेयर का कलर और ब्रांड कौन सा है अमूल घर पे आ जाओ दिखाऊंगा अमूल कंफी अमूल माचो अमूल कंफी 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 है वो कंफी माचो नहीं है कंफी अमूल अमूल कंफी ब्रांड है और ब्राउन और ब्लू इनका क्वेश्चन है आपकी गर्लफ्रेंड है सही से बताना ये इसकी तो 2 है इसकी 4 है नहीं इसकी 2 है इसकी भी 2 या 3 तो होंगी अरे पापा डालते हैं एक भी नहीं गाइस और अभी काम करना है पढ़ाई करना है अभी अपना कैरियर बनाना है और ये सब गर्लफ्रेंड्स के लिए अभी टाइम नहीं है ओ बाय 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 बाय